सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्कार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर कैसे हैं आप लोग आशा है विश्वास है सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग लाइव आ जाओ फटाफट जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हो सभी लोग लाइव आ जाएं और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आपका अगर आप करें टेट की तैयारी की टेट की तैयारी तैयारी सी टेट दिसंबर आप दिसंबर में आपको एकदम क्लियर है दिसंबर में होना है तो देरी नहीं करना है अभी से आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है बढ़िया से सीखना है संस्कृत सीखना है हिंदी सीखना है तो हम आपका स्वागत करते हैं आपकी अपनी

सॉरी सॉरी ठीक है क्यों ज्वाइन जो करें क्योंकि यहां पर डेली बेसिस का आपकी आपकी हम पीडीएफ जो बोर्ड की प्रैक्टिस क्लास की जो जितनी भी पीडीएफ होती है आपको संस्कृत और हिंदी दोनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाती है मिल जाती है बात समझ रहे ना जी तो जो भी विद्यार्थी हैं ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे गद्यांश और गद्यांश पर स्पेशली हमारी आज चर्चा है मेनली गद्यांश पर ही है तो आज आपके लिए हम दो गद्यांश लाए हैं आप चूंकि कई सारे विद्यार्थियों का मैसेज प्राप्त हुआ है और उनकी क्वेरी थी कि सर वो गद्यांश वाला बड़ा झंझट करता है ना और हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी लगभग आज तक जितने गद्यांश पूछे अगर डेली आप हमारे साथ जुड़े हो तो कोशिश करेंगे सारे गद्यांश आपको हम हल कराएंगे ठीक है संस्कृत चंद्रा भाषा के लिए कार्य करता है तो हिंदी और संस्कृत कुछ भी पढ़ो कहीं से हिंदी संस्कृत यहीं से तो अगर हिंदी और संस्कृत आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और साठ अंग बनाना है तो हम आपका स्वागत करते हैं आपकी अपनी पेड क्लास में जहां पर हम आपको भी पढ़ाते हैं ठीक है वहां पढ़िए यहाँ प्रैक्टिस कीजिए आइए शुरू करते हैं अथ एकता भगवान बोधि सत्व बहुजन्म अर्जित पुण्य फल ही शिवी नाम राजा बहु एक बार भगवान बोधिसत्व जो थे बहुत जन्मों से अर्जित पुण्य फलों के द्वारा शिव शिवी नाम शिवी नाम के एक राजा बहु मतलब होवे ठीक है स बाल्यात एवं वृद्धोप से मतलब वह अब आप हमको बताओ बाल्यात्म में कौन सी विभक्ति लगी है कौन सी विभक्ति लगी है आप कमेंट करके बनाओ बताओगे जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे चैट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ पर बाल्यात में कौन सी विभक्ति है बाल्यात एवं बाल्यकाल से ही वृद्धोप सेव वृद्ध की सेवा करने वाले और क्या थे विनयशील विनयशील थे शास्त्र पारंगत च आसित और शास्त्र में शास्त्रों में पारंगत थे कौन शिवी नाम राजा ये जो शब्द आया है किसके लिए, किस लिए आया ठीक है जी आगे चलते हैं जन कल्याण कर्मसु रत असो पुत्रवत प्रजा पालयती अस्म जन कल्याण कर्मसु रत तो में क्या लगी बच्चा पंचमी लगी है ठीक है ता और दा हलंत लिखा हो तो अक्सर वह अकारांत का बाल बालक शब्द बाल बालह बाल शब्द होता है बाला बालयात लिखा हुआ है ठीक है तो जन कल्याण कर्मसु जन कल्याण इसमें देखो पढ़ने का तरीका है कि छोटा-छोटा तोड़-तोड़ के पढ़ोगे हिंदी जैसा अर्थ देता है जन कल्याण कर्मसु लोगों के कल्याण के कर्म में रत मतलब लगे हुए असव यह पुत्रवत प्रजा अस्म यह पुत्र के समान पुत्रवत मतलब पुत्रवत मतलब मतलब पुत्र के समान वह प्रजा का पालन करते थे ठीक है है कारुण्य औदार्यादि अब देखो इतना बड़ा शब्द है। आपकी समस्या है कि सर इतना बड़ा शब्द आता है कौन इसमें टाइम वेस्ट करे इतना लंबा इतना बड़ा शब्द पढ़ने के लिए तो हम इसीलिए कहते हैं कि जिनको बेहतर पैसेज करना है तो कम से कम पढ़ने की प्रवृत्ति ढाल लो कम से कम डेली आपको दो से चार चार से पांच लाइन डेली संस्कृत भाषा में पढ़ो संस्कृत भाषा का पैसेज डेली चार से पांच लाइन आप पढ़िए और मैंने अगर आपको कहीं बुक नहीं है कहाँ से पढ़ें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ठीक है वहां पर आपको पीडीएफ फाइल में जाओगे तो ढेर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी ये भी जो भी पीडीएफ है या जो क्लास की सारी पीडीएफ चाहे पैसेज की हो पेडागोजी की हो हम आपको आपके संस के चंदा के टेलीग्राम पर डेली भेज देते हैं प्रेषित कर देते हैं ठीक है तो लोगों के कल्याण के कर्म में लगे हुए असो पुत्रवत पालियत पुत्र की तरह प्रजा को वह पालियत पालते थे उसका पालन करते थे ठीक है सभी लोग सेशन को पहले लाइक करो शेयर करो जितने विद्यार्थी हैं इधर आओ जो हैं चुप पे लाइक बटियाने सारे छात्र क्या करेंगे जी लाइक करेंगे आपकी जिम्मेदारी है कारुण्य ने औदार्य देखो इतना बड़ा शब्द मैंने बताया ना तो इसमें कहो करुण ने औदार्य आदि सद्गुणो पेतह करुण कर, करुणा उदारता आदि सद्गुणों से उपेत मतलब भरे हुए सह मतलब वह नगर से समंतत धन धान से वो नगर से नगर के समन्तः धन धान समृद्ध दानशाला अकार्यत वो जो है नगर के समीप क्या किया धन धान से युक्त दानशाला अकार्यत मतलब अकार्यत मतलब वहां बनाया तत्र अर्थिनाम समूह अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिका अभिष्ठानी वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट अभवत और वो जो इन्होंने दानशाला बनाई थी ठीक है तो जो अकार्यत उसका जो निर्माण किया था तत्र वहां पर अर्थी नाम समूह मतलब जो भिक्षाटन करते थे जो गरीब थे उनका समूह अन्न पान वसन तो जलपान और वस्त्र रजत चांदी आदि और सोने आदि के अभिष्ट वस्तु प्राप्त मतलब प्राप्त करके अब बताओ प्राप्य में कौन सा कौन सा प्रत्यय लगा है प्रत्यय बताना है प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय फटाफट कमेंट करके बताओ जितने छात्र देख रहे हो चुप्पे लाइक कर दो और बताओ है ना जी प्राप्त करके संतुष्ट अभूत मतलब वह संतुष्ट हुए राज दानशीलताम आकर्ण जो राजा थे वो दानशीलताम आकर्ण तो उनकी दानशीलता को आकर्ण मतलब सुनकर ठीक है जी देशो अंतरे भो उस राजा की दानशीलता को सुनकर के देश से बाहर के लोग भी जो थे थे जनाह लोग थे, वो देशम उस देश को आते आते थे ठीक है अथ कदाचित दान शाला सुविचरण सा राजा बहुधन लोभ लाभेन संतुष्टान अर्थेना बिरल संख्या विलोक अचिन्तयत अथ एक बार कदाचित एक बार जो है इस इसके बाद एक बार दानशाला में बिछरन मतलब घूमते हुए राजा बहुत धन लाभ के द्वारा संतुष्ट अर्थियों को की विरल संख्या विलो के देख करके अचिंत सोचे मम अर्थिना तो धन लाभ मात्र संतोषम कि हमारे ये जो अर्थी हैं वो धन लाभ मात्र के द्वारा ही संतोष प्राप्त करते हैं नूनम ते दान वीरा सौभाग्यशालिना यान याचक शरीर से अपो याचनते निश्चित नूनम मतलब क्या होता है जी निश्चित ही नूनम का मतलब क्या होता है जी निश्चित ही जो दानवीर और सौभाग्यशाली यान जिस याचक को शरीर के अंग अपचनते शरीर के अंग को भी वह मांगते हैं एवं राजेशात्र निराशक्ति विज्ञान सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम और इस प्रकार राजा अपने गात्र मतलब क्या होता है शरीर आपके गात्र अपने स्वस्थ अपने शरीर में भी निराशक्ति बिना किसी आशक्ति के विज्ञान और संपूर्ण ब्रह्मांड से व्याकुल जो संजातम संजात है ठीक है युक्त है रागी एवं विचार यति अब बताओ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रागी पद में कौन सी विभक्ति है रागी पद में कौन सी विभक्ति है कमेंट करके आप बताओगे राग पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है एवं तस्य दानशीलता परीक्षित शक्र नेत्रहीन याचिक से धैत्वा धर तत्पुरता अब क्या हुआ कि जो भाव से अपने शरीर का भी दान देने की जो इच्छा रखता हो ऐसे ऐसे राजा की जो है दानशीलता तस्य उसकी दानशीलता को परीक्षित परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेवों के देवो के अधिपति शक्र जो थे वो नेत्रहीन याचक से रूपम नेत्र से हीन याचक का रूपम धायित्व मतलब धारण करके तत्पुरता उनके समीप तुपुरता मतलब होता है उनके समीप उनके सामने है ना जी हे राजन हे राजन भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आशान्वितः भवत् समीपम् आगतो अस्मि हे राजन राजा से बोला कौन वो जो सक्र आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए हे राजन भवता मतलब आपकी दान वीरताम दान की वीरता को आकरणे सुन करके आशान्वितः आशा से युक्त होके भवत समीपप आपके समीप आगतो अस्मि आया हूं ठीक है देव रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत कथम इ उपस्ययम चक्षुहीनः कह रहे हैं कि हे देवता ये जो रवि है सूर्य है चंद्रमा है तारामंडल से जो भूषित संपूर्ण जगत है एतत कथम यो पश्य पश्च्यम हम इसको किस प्रकार से देखें क्योंकि हम चक्षुहीन हा मैं तो चक्षुहीन हूँ राजा उवाच भगवान राजा ने बोला है ईश्वर भवन मनोरथम पूरा इतवा आपका मनोरथ पूरा करके आत्मान अनुग्रहितम कर तुम इच्छा में आपके मनोरथ को हम पूरा करके स्वयं को हम अनुग्रहित करने की इच्छा रखता हूं ऐसा किसने कहा राजा ने कहा आदिश्यताम आप, आप आज्ञा जी दीजिए आदिश्यताम आज्ञा दीजिए ऐसे ही आपको भी पढ़ना है डेली पढ़ना है सही बता रहे किम करवाणी विप्रह आदिश्यताम आदेश दीजिए हमें क्या करना है विप्र उवास बोला यदि भगवान प्रीत हा तदा त्वतः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि अगर आपकी प्रीति हो अगर आपको दुख ना हो आपको कष्ट ना हो तदा मतलब तब त्वतः मतलब आपसे एकस्य चक्षुषः एक चक्षु आपकी एक आंख दानम इच्छामि दान कर दीजिए एक आंख अपनी है ना जी ये न मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत जिससे कि हमारी इस जीवन की यात्रा जो है बाधा से रहित हो जानी चाहिए तथा हाँ मतलब उसके बाद तथा हाँ मतलब उसके बाद श्रुतवा राजा अचिंत्यत उसके बाद सुनकर के राजा ने बोला सोचा लोके चक्षुर दानम दुष्करम एव इस संपूर्ण संसार में क्या है चक्षु का दान बात मत को चितने छात्रों जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है ये तरीका और सलीका सीखते रहो ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस करना है पढ़ने की जब तक पढ़ नहीं पाओगे तब तक अर्थ कैसे जान पाओगे है ना जी हाँ जी तो ध्यान से सुनो और हम यहां परना तुम लोग देख देख के इसको पढ़ा करो ठीक है आपस में बतियाया मत करो आए हो तो उस समय का लाभ उठाओ ठीक है जी लोग में चक्षु का दान दुष्कर है बहुत मुश्किल होता है लोग की आंख का दान करें नूनम इधर श्रम दानम इच्छन आयम आच कहा निश्चित ही इस प्रकार का दान इच्छा करने वाला यह याचक जो है केनापि प्रेरितः स किसी से प्रेरित किसी से भी प्रेरित है अथवा भवतू नाम आपका नाम किम बहुत चिंतन बहुत चिंता के बाद इति विचार राजा अभासत, इतन, बहुत चिंता के बाद बहुत विचार करने के बाद राजा अभाषद बोले भो मित्र किमेकन चक्षुशा केवल एक ही चक्षु अहम भवते भक्त चक्षुर्दयम एवं इति हम आपको ये जो चक्षु का दान है ये हम आपको देने की इच्छा करते हैं ठीक है जी तो चलिए ये था आपका पैसेज था देखो ऐसे पैसे थोड़ा सा लेंदी हुआ करते हैं लेकिन अगर आपको पढ़ना आता है अगर आपको रीडिंग संस्कृत भाषा की आती है अगर आप संस्कृत भाषा की रीडिंग कर लेते हो तो कोई समस्या कौनो दिक्कत नहीं होगी। कह इच्छति कौन अपने आप को अनुग्रहित करने की इच्छा रखता था जल्दी बताओ शिवी नाम राजा रवि याचिका या फिर इंद्र सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जो भी छात्र जुड़े हुए ठीक है जी हाँ चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे तो व्याकरण प्लस पैडागॉजी है एक आपका गद्यांश और जोड़ना चाहेंगे हम लेकिन चलिए अब पहले तो कह आत्मानम कह आत्मानम अनुग्रहितम कर इच्छा कौन अपने आप को अनुग्रहित करने की इच्छा रखता है शिवी नाम राजा या फिर कौन सभी लोग बताएंगे कमेंट करके जो भी हमारे विद्यार्थी गण जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करेंगे कौन शिवी नाम राजा ठीक है शिवी नाम राजा आत्मनम अनुग्रहितम कर्तुम इच्छति क्या आन ठीक है जी कोई दिक्कत कोई समस्या नास्ती ठीक है जी चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छात्रों एकदम राइट आंसर ठीक है आगे आ जाओ भ्रमण इत्यर्थ अनुच्छेद कहा शब्द प्रयुक्ता जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रमण अब यहाँ पर आपसे भ्रमण शब्द का जो अर्थ होता है इसी शब्द का अर्थ बताते हुए कोई और एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ है वो अर्थ आपको बताना है है ना वो अर्थ आपको बताना है जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर मेरे प्यारे प्यारे छात्रों ठीक है जी हाँ एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा बस ठीक है वेट अ मिनट ओके एक सेकेंड रुकेगा आप ठीक है जी ठीक है विनयशीला विचार्यती अस्मा या इच्छन तो, इच्छन तो इच्छन यहाँ पे क्या भ्रमण का मतलब भ्रमण करते हुए और विचरण का भी अर्थ यही होता दोनों में क्षत्रि प्रत्यय लगा है दोनों में क्षत्रि प्रत्यय युक्त दोनों शब्द है और आपके पैसेज में भी विचरण शब्द आया हुआ है आपके पैसेज में भी विचरण शब्द आया हुआ है ठीक है जी आगे आ जाओ ले प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्त ये जो लेप प्रत्यय है किस पद में प्रयुक्त है तो एक ही गद्यांश से आपसे ग्रामर भी पूछता है और ग्रामर से और पैसे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है लाइक करो शेयर करो जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है अभी से पढ़ो बढ़िया से गद्यांश एकदम बढ़िया तरीके से अगर कहीं पर लगे आपको कोई समस्या यू कैन हाँ आप बता सकते हैं आप कह सकते हैं लेप प्रत्यय से किस पद में प्रयुक्त है में है में है विद्या में है या फिर द्वयम में तो लिप प्रत्यय वी उपसर्ग है या अंतिम में आया है शुरुआत में कोई उपसर्ग हो उसके बाद अंतिम में या की ध्वनि आए तो यही तो तरीका आपको बताया हो वो क्या होता है इसको बी बना लो इसको सी बना लो तो अगर आप कह रहे हो सर सी वाला राइट आंसर तो एकदम राइट आंसर बोले हो अरे भाई ये संस्कृत चंद्रा के विद्यार्थी हैं ये कभी गलत नहीं करते खासकर प्रत्यय वाला प्रश्न गलत कभी नहीं करते ना जी आप प्रत्यय वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं करते हो आई नो मैं बहुत अच्छे से जानता ठीक है आगे बढ़े आगे चले चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो अभिष्टाणि वस्तुनि प्राप्य के संतुष्टा भवन्ति अस्म अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्य प्राप्त करके तो प्राप्य में पूछा था आपसे कौन सा प्रत्यय है तो प्राप्य में ल्य प्रत्यय था ना संतुष्ट कौन संतुष्ट होता था बोधिसत्व अर्थिना राजाना सर्वे जना बोधिसत्व प्रसन्न होते थे या फिर जो अर्थिना होते थे यार नहा, अर्थी नहा, जो अर्थ की इच्छा रखने वाला होना जो धन की इच्छा वो अर्थिन वही तो अर्थी है वही तो अर्थिन कहलाएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते भी रहो लाइक शेयर भी करते रहेगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जिम्मेदारी है बताओ अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके संतुष्टा कौन संतुष्ट होता जल्दी कमेंट करके बताओ फेंक के तो में लग जाएगा बड़े आए आंसर नहीं करते तो सीधी बात है इसमें जो सही था आपका बी फॉर बेस्ट आंसर जो अर्थना थे वो अभीष्ट वस्तुओं को सुवर्ण रजत आदि की चर्चा आई है ना तो उसको वो प्राप्त करके वो खुश होते थे प्रसन्न रहते थे बात समझ गए ना कस्य दानशीलताम आकरण जना तम देशम ouais. किसकी दानशीलता को इंद्रस्य सुन करके लोग उस देश को आते थे? तो सत्व से. अरे बोलो किसकी दानशीलता को सुनकर के लोग आया करते थे याचक का या, या बोधिस नाम के जो राजा थे या शक्र का या इंद्र का या फिर याचक का बोलो सभी लोग किसकी दान कस्य दानशीलताम आकरण किसकी दानशीलता को सुन करके ये आते थे कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे विद्यार्थी खटाखट फटाफट लाइक करेंगे शेयर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा के संस्कृत वाली क्लास को अल्टरनेट डेज पर डेली आपको मिलेगा 10 एम पर बात समझ रहे हैं डेली दस बजे और शाम को नाइन पी पर एक दिन हिंदी एक दिन एक दिन हिंदी एक दिन संस्कृत ठीक है सीटेट में भी एक दिन हिंदी, एक दिन संस्केत। और आपको टेट में एक दिन हिंदी, लिए होती है। आप क्लास देखे, तब आपको स्वयं पता चल जाता है ठीक है बच्चा फिलहाल यहां पर जो राइट आंसर है भगवान बोधी किसकी दानशीलता तुषक्र तो, तो आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए याचक तो स्वयं अर्थीना थे अस्तु तो आपका जो डी वाला राइट आंसर है आपने बहुत अच्छा उत्तर किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों किम इच्छति वो वो जो विप्र आए थे वो क्या चाहते थे किसकी इच्छा थी किसकी इच्छा रखते थे जो विप्र थे थे वो किसकी इच्छा रखते थे? अन्नम पानम चक्षुर दानम या धनम वो किसकी इच्छा रखकर आए थे जो परीक्षा लेने के लिए वो विप्र आए थे विप्र का रूप धारण करके आए थे वो किस चीज की इच्छा रखते थे आप सभी बताओगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं स्वागत वंदन अभिनंदन, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों बोलो तो अन्न की तो इच्छा रखे नहीं थे हाँ पान की भी नहीं धनम की नहीं वो चकछुड़ दानम किसका जी चक छुड़ दानम इच्छू वो उनकी आंख चाहते थे उनकी पर केवल उनकी परीक्षा लेने आए थे देखो बड़ी इनकी दानशीलता हमने सुना है आज चलकर देखते हैं कि क्या इनकी आंख ही मांगे तो हमको आंख दे सकते हैं हम्म hmm? तो कितने बड़े और प्रतापी राजा थे बोधिशत तो उन्होंने अपनी उन्होंने सोचा कि भाई चक्षु दान से बड़ा क्या दान होता है अपने चक्षु दान के लिए भी वो तैयार हो गए ठीक है सी वाला राइट है शक्र किम परीक्षित इच्छत यशम जो वो शक्र थे वो क्या परीक्षण करने की इच्छा रख के आए थे उनकी दानशीलता उनकी वृद्ध सेवा उनके विनय या उनकी, उनकी, उनकी उदारता कि किस चीज की परीक्षा अब देखो ऐसे प्रश्नों में जो उत्तर देना होता है वो आपको अकॉर्डिंग टू पैसे हमको सारा उत्तर अकॉर्डिंग टू पैसेज ही देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो हमको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है तो बताओ फटाफट फड़, खटाखट बिना देरी की अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो क्या परीक्षितुम क्या परीक्षण करने के लिए आए थे जल्दी बताओ सभी लोग ठीक है इच्छा थी बोलो बोलो कुछ तो बोलो ठीक है जी एवं। तस्य देखो तस् दानशीलता पर सारा का सारा उत्तर अगर मैंने कहा ना अगर आप पैसेज की केवल अगर अर्थ भी नहीं निकाल पाते हो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हाँ लेकिन अगर आप क्विक पढ़ लेते हो किसी भी शब्द को क्विक पढ़ते हो आप पढ़ने की हैबिट है आपकी या आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट वेनिफ, होगा आपके लिए वो क्यों होगा क्योंकि हम इतना बड़ा पैसे देके पहले अपना मनोबल डाउन कर लेते हैं गिरा लेते हैं नहीं डरना नहीं है अगर आप डेली पांच लाइन भी पढ़ रहे हो तो अभी परीक्षा बहुत देन है आप बड़े आराम से तब तक अपने आप को बहुत अच्छा बना सकोगे ताकि आपको परीक्षा हॉल में डर ना लगे ठीक है तो ये यहाँ पर कौन सा सही है जी दानशीलताम आकरण क्या सुन करके उनकी दानशीलता को सुन करके आए थे क्या आए थे उनकी दानशीलता को सुन करके आए थे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आई बात गई समझ में चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो कोई दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगे सवर आधारानी चिंता मत करो है ना जी हाँ एक सेकंड बस रुकेगा आप लोग हैं जी वेट अ मिनट ओके जस्ट फेट माई डियर स्टूडेंट्स ओके एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा वेट कर लेंगे ऋष्ठ कक्षाया एक शिक्षिका स्वच्छात्र एक कथा पढ़ तुम कथित एक छठी कक्षा की शिक्षिका अपने छात्र को एक कथा पढ़ने के लिए कहती है सा अग्रिमे पाठय तुम तद विषय विचारान ग्रहितुम प्रयतते वह क्या अनुभव करने का प्रयास कर रही है कमेंट करके बताओ छठी कक्षा की एक शिक्षिका अपने छात्रों के एक कथा पढ़ने के लिए कहती है और अगले दिन ताम कथाम पाठ तुम उसी कथा को पढ़ाने के लिए उस विषय पे विचार को ग्रहण करने के लिए इच्छा रखती है अत्र यहां पर साकिम अनुभवी वो क्या अनुभव करने का प्रयास कर रही है इदम एकम पूर्व पठन कार्यम छात्राणाम पूर्व ज्ञाने सह संबंधा प्रभावी रूपेण पठनार्थम कक्षायाम शिक्षणार्थम सामाजिक गतिविधि या छात्रान स्वलेखन कार्य संलग्न यहाँ पर लेखन कार्य की बात हुई तो सीधे पढ़ के गलत कर देना चूंकि मैंने बार बार कहा है अगर आपने ध्यान से कभी कभी जब भी सीटेड की पढ़ा, आप पढ़ो तो जो बोलते हैं आपके शिक्षक उस पर थोड़ा सा ध्यान हमेशा दिया करो मैंने हमेशा से कहा कि जैसे अगर आपके प्रश्न में क्या है अगर आपके क्वेश्चन में कर लो जी तुम तुम लोग कर लो जी जी अगर आपके क्वेश्चन में क्या है अगर आपके प्रश्न में जैसे ये पठन इसमें पठन कौशल से संबंधित बात की गई है ना तो अब नीचे ऑप्शन में अगर लेखन संबंधित आया है तो वो तो गलत ही होगा ना वो तो गलत हो जाएगा बोलो हाँ की ना वो गलत हो जाएगा कि नहीं होगा तो उत्तर सभी लोग करेंगे जितने हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सबका एक एक आंसर हाँ जी वेरी नाइस बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों बहुत खूबसूरत बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बहुत बढ़िया चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो बताओ सभी लोग भाई देखो पहले एक कथा को पढ़ने के लिए जैसे हम आपको कल कुछ पढ़ाना है तो मैं कह हूँ इस कथा को पहले आज पढ़ो ठीक है फिर अगले दिन उसी कथा को पढ़ाने के लिए हम उसपे विचार कराएं यह एक पूर्व पठन कार्य है या छात्रों को पूर्व ज्ञान के साथ संबंध संबंधा प्रभावी रूपेण पाठनात्म कि छात्र को पूर्व ज्ञान के साथ उसका संबंध कराया जा रहा है ताकि उसको प्रभावी रूप से हम पढ़ाने के लिए तो एकदम राइट आंसर है आपका बी फॉर बेस्ट आंसर छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ उसको संबंध जोड़ा जा रहा है ताकि प्रभावी से अध्यन अध्यापने, चेतना उत्तेजना कॉन्सियसनेस रेजिंग किम अस्थित किसी व्याकरण के अध्यापन और अध्यापन में जो चेतना उत्तेजना होती है जो कॉन्सियसनेस रेजिंग होती है वो क्या होती है पृथक रूपेण व्याकरण अध्यापनम तथा छात्र ही अभ्यास तथा प्रयोग से व्याकरण के विषय का अध्यापन पृथक रूप से व्याकरण के विषय का अध्यापन तथा छात्रों के द्वारा अभ्यास तथा उसका उद्देश्य का प्रयोग स्थानांतर अभ्यास रूपण व्याकरण से अध्ययन या पृथक वाक्य सुकरण से अध्ययनम तथा नियम नाम तो तुरंत इसको गलत काट दो ठीक है प्रकरणानुसार्याकरण से अध्यापनम यत्र छात्रा विषय अवलोक्य व्याकरण नियमान अन्वेषण करवंती भाई बहुत अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अच्छा प्रश्न है हमें पता है आप उत्तर बढ़िया करते हो हमें पता है कि आपका आंसर बहुत अच्छा आता है और आपने अगर डी कहा है तो एकदम राइट का है पता है ये बहुत अच्छी बात है एक तो प्रश्न किससे संबंधित है व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन के हम यू कह सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण से संबंधित यह क्वेश्चन है अब व्याकरण शिक्षण में सबसे उत्तम विधि कौन, कौन सी होती है व्याकरण शिक्षण की आप कमेंट करके बताओ चलो सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है व्याकरण शिक्षण की सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे जो भी हमारे छात्र हैं सब लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है कमेंट करो जो भी छात्र हैं जल्दी बताओ खटाखट फटाफट उत्तर करेंगे व्याकरण शिक्षण की, की हाँ बहुत बढ़िया सबसे उत्तम विधि होती है आगमन विधि ना अब यहाँ पर देखेंगे प्रकरण के अनुसार व्याकरण का अध्यापन यत्र मतलब जहाँ छात्र विषय को देख कर के अवलोक देख कर व्याकरण के नियमों का अन्वेषण स्वयं करे जैसे क्या है आपके सामने कोई हम प्रतिकृति रख दें और या आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी परिस्थिति रख दें जिसको देखकर समझकर सुनकर के आप स्वयं नियमों की खोज आप स्वयं करो और जहां पर विद्यार्थी को से स्वयं कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है राइट होता है और ये पूरा का पूरा ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये आगमन विधि की ओर संकेत कर रहा है किधर कर रहा है जी आगमन विधि की ओर आपको संकेत कर रहा है बोलो हाँ की ना यस एकदम सही अच्छा एक चीज और काम करोगे जरा कमेंट बॉक्स में हमको इतना और बताया मार देंगे चुप्पे लाइक सेशन पहले कर कर लो लो जी जी लाइक कमेंट बॉक्स में हमको आगमन विधि का, क्या -क्या हम है, है? का जो दूसरा नाम होता है और भी किस नाम से आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वो नाम मैंने आपको बताया है तो लिख कर बताओ फटाफट -फड़ सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हजार बीस प्रतिपादय राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार विषय शिक्षण अनिवार्य अस्ति सभी भाषाओं के लिए विषय शिक्षण के लिए मातृभाषा अनिवार्य है आधारभूत स्तराद विद्यालय शिक्षार्थम आंग्ल भाषा अध्यापनम ठीक है अध्यापनम कह रहे हैं कि आधारभूत स्तर से लेकर के विद्यालय शिक्षा तक अंग्रेजी भाषा का अध्यापन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन या तिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत भाषा का अध्ययन बताओ यहाँ पर राष्ट्रीय एनईपी 2020 क्या प्रतिपादित करती है सभी भाषाएं आराम केते भाषा जब मातृभाषा अनिवार्य अस्थि आप बताओ कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी बोलो बोलो कुछ तो बोलो लिख कर बोलो सारे बोलो प्रेम से बोलो सही कौन सा है ना जी सारे विद्यार्थी उत्तर कर देंगे जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं स्वागत वंदन अभिनंदन संस्कृत चंद्रा पर ठीक है कोई समस्या कोनो प्रॉब्लम तो नहीं तुम लोगों को जी है किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है तो राष्ट्रीय शिक्षा आपको कहता है भाई साहब, सभी भाषाओं के लिए आप लोग अच्छा इसको बताया आपने ये जो पूछा था आगमन विधि का है ना इसी को कहते हैं अधिष्ठापन विधि अगर आपने बताया है बहुत बढ़िया बताया जी अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं परीक्षा में पूछा हुआ है और इसी आगमन विधि को ही हम और क्या एक नाम देते हैं आरोहात्मक विधि क्या देते हैं जी आरोहात्मक विधि के नाम से जानते हैं ठीक है किस नाम से आरोहात्मक विधि के नाम से जानते ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर भेज दी जाती है प्रेषित कर दी जाती है ठीक है अब यहां पर ये जो अच्छा ये प्राण विदेशी भाषा और सांस्कृतिक भाषा ये जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है और जो फॉरेन लैंग्वेज होती है विदेशी भाषा का अध्ययन की जो संस्तुति है एनईपी 2020 में किस रूप में है किस स्वरूप में है आप बताओगे ये ये आप बताओगे कमेंट करके ये आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके हमको बताएंगे ठीक है एनी समस्या वर्तते थे तो कहोगे सर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोपी समस्या नास्ती सामाजिक उपभाषा अस्ति कौन सी सामाजिक उपभाषा किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी अस्तों जी सामाजिक कैसे नंबरिंग गलत हो गई क्या सामाजिक उपभाषा किसे कहते हैं कस्िंचित राज्य देशे व मुख्य भाषाया उपभाषा कस्मचित क्षेत्र अथवा भाषाया लिपि वर्तते कसाचित क्षेत्र से लिखित भाषा साहित्य से भाषा अंतर्गत कशा समुदाय अथवा समूह से भाषाया विशेषता उत्तर आपका जो भी छात्र हैं उपभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन आपका आता ही है ठीक है हाँ सारे लोग ऐसे ही कमेंट करके बताएंगे जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर है ना जी चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी जिम्मेदारी के साथ है ना जी चलिए बताओ कि सामाजिक उपभाषा क्या है सभी लोग बताएंगे एक तो उपभाषा केवल उपभाषा नहीं पूछा ये भी ध्यान देना उपभाषा नहीं पूछा है सामाजिक उपभाषा पूछा हुआ है आपसे है सामाजिक उपभाषा पूछा हुआ है कमेंट करके बताओ सारे लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत सभी लोग सेशन को चुप कर दो नहीं पकड़े लाइक देख रहे लाइक नहीं करते सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके लाइक आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा का स्रोत हुआ करता है।, है ना जी तो डेली ज्वाइन करो आपको 10 ए एम पर 10 ए एम एट मॉर्निंग ओके और रात में नाइन पी पर है ना जी ये दो क्लासेस आपके लिए डेली होती हैं बाकी अगर बीच में कोई प्लान होता है नई क्लास का तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ठीक है तो आप अगर देखो बहुत सारे छात्र ए बी सी डी कुछ नहीं आपका सही सही आंसर है डी भाषा के किसी भी समुदाय अथवा समूह की भाषा की जो विशेषता होती है समुद्र समुदाय और समूह ही समाज का निर्माण करता है ठीक है बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि समुदाय अथवा समूह की भाषा की जो विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं सामाजिक उपभाषा बोलते हैं क्या बोलते हैं बालक उसी को हम सामाजिक उपभाषा के नाम से जानते हैं पहचानते हैं और समझते हैं कोई दिक्कत कौनो परेशानी देखेंगी चिंता माई डियर स्टूडेंट्स ओके आगे बढ़े आगे आ जाओ फिर प्रतीक भाषाया संदर्भे निम्नलिखते सुम कथनम सत्यम नास्ती 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 कौन सा कथन सत्य नहीं है कौन सा कथन सत्य नास्ति है इतना आंखी से देखकर उत्तर करना कि ये प्रतीक भाषा के संदर्भ में कौन सा या इसी को चिन्ह भाषा भी कह देते हैं चिन्ह भाषा भी कह देते हैं संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है कमेंट करके बताओ कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है ये आप बताओगे जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत 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 स्वागत है ठीक है बच्चा चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा है जी कुछ भी पढ़ो कहीं से हिंदी संस्कृत यही से ठीक है प्रतीक भाषा स्वाभाविकी भाषा अस्ति प्रतीक भाषा व्याकरणम भवती प्रतीक भाषाया व्याकरणम भवती प्रतीक भाषाया व्याकरणम नास्ति प्रतीक भाषाया प्रकारा भवंती यहाँ इन्होंने कहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है अगर आप कहो कि प्रतीक भाषा का व्याकरण नहीं होता है तो ये बात असत्य है क्यों क्योंकि प्रतीक भाषा का व्याकरण होता है ठीक है जी चिन्ह भाषा प्रतीक भाषा का व्याकरण होता ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा गया है तो बात समझना जी प्रतीक भाषा का व्याकरण होता है चिन्ह भाषा का व्याकरण होता है इन्होंने लिखा है नास्ति नहीं होता तो यही बात ये बात गलत है और इन्होंने नास्ति वाला ही पूछा है ठीक है आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों लो जी कर लो जी बात किसी से पाठ में निबद्ध जो क्रिया है क्रिया का और उसकी विचारों का एक पात्र की तरह एज अ कैरेक्टर आप उसका लेखन अंतःकरण में धारण करते हो तो वो कैसा लेखन कार्य कह कैसा प्रश्न कहलाएगा चलिए वेरी सिंपल अगर इसको गलत किया तो समझ लो इस टॉपिक जिस टॉपिक का यह क्वेश्चन है इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्यार्थियों है ना जी तो चलते रहो बढ़ते रहो लाइक शेयर भी करते रहेगा आंसर करते रहेगा, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है? समस्या नहीं होनी चाहिए। तो में और विचारों। जहां पर हम उसको क्या कहते हैं उसी को वाग विस्तृत इसके बहुत सारे नाम आते हैं हर परीक्षा में हर पेपर में अलग अलग नाम देकर पूछा है तो आपको सबसे बड़ी चीज ये जाननी है पढ़ो तो कौन सा वाला सही ये भी जानो बहुत सारे शब्द हैं जिसके बहुत अपर अपर बहुत सारे नाम हुआ करते हैं और हर परीक्षा में चेंज करके पूछ लेता है तो वाघ विस्तृतान को ही समन्वेसी कहते हैं वाह्य कलन कहते हैं वहर्वे कहते हैं ये सारे सारे नाम किसके हैं वाघ विस्तृतान कहते हैं सब एक ही है एक्स्ट्रा पोलेटिव का मतलब वाघ विस्तृतान समन्वेशी एवरी

ठीक है समझ गया ना जी कोनो दिक्कत कोनो परेशानी तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं आपको आपका होमवर्क हम दे रहे हैं ठीक है जी जी ये आपका गृह कार्य है ये आपका गृह कार्य है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है सभी को ये आपका गृह कार्य है इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में करना है जी ठीक है कमेंट बॉक्स में करना है सभी छात्रों को यहाँ आंसर नहीं करना है इसका उत्तर आपको देख लो एक बार और इसका उत्तर हर एक विद्यार्थी से अपेक्षा करते हैं कि आप आंसर करोगे क्लास के बाद में करना है अभी बिल्कुल नहीं करना है ठीक है अभी बिल्कुल भी नहीं करना है वही चीज टेट सुपर टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तैयारी कर रहे हो तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर हमारे यहाँ पेड क्लासेस आपको दी जाती हैं स्पेशल फॉर लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ना है कुछ भी पढ़ो कहीं से लैंग्वेज पढ़ो यहीं से तो हिंदी और संस्कृत के लिए आपका बैच चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हो साठ अंक अपना बना सकते हो भैया है जी तो ये है आपका नंबर आपको एस का नंबर कहीं कहाँ से मैनेज करोगे भाषा से ही मैनेज करोगे अगर एस में बार बार आप नहीं अच्छा अंक ला पा रहे हो कुछ तो लाओगे बाकी मैनेज कहाँ से होगा वहां का अंक वहां का अंक मैनेज है केवल और केवल लैंग्वेज से भाषा से ठीक है जी तो आज के लिए बस इतना ही लेते हैं आप विदा। नमस्कार। को करके जाना। क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और सेशन को लाइक करके ही जाना ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है तुम्हारी जिम्मेदारी है ठीक है बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद All the best. Thank you. Thank you so much.